हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमीज। तो आज बच्चों एक क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को कंप्लीट करेंगे बच्चों, और एंटायर आज इस एक्सरसाइज के जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस देखो, जिससे क्या होगा बच्चों कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में। पहले इजी, फिर उससे थोड़ी सी इस तरीके से दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं, यही भी सेम कह रहा है बच्चों, गिवन फर्स्ट यू विल द यूज द सेपरेबल्स एंड वेरिएबल्स मेथड। वही सेम करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है बच्चों, यानी हमें एक्स को एक जगह रखना है, और यानी कांस्टेंट को एक जगह रखना है और वेरिएबल को एक जगह रखना है, और उनको हमें सॉल्व कर देना है, और आसानी से आपको सॉल्व भी हो जाएगा, राइट। और आपने देखा भी है फर्स्ट लेक्चर्स में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि वेरिएबल को एक सेट किया था, कांस्टेंट को एक सेट किया था, हमारा रिजल्ट आ गया था, है ना। चलो तो यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट ए में कह रहा है कि 3n-2=25, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3n-2=26, क्या हो गया 26। तो ये अगर हमें क्या है 3n, तो क्या है बच्चों, ये हमारा वेरिएबल के साथ है, तो हमें पहले क्या करना है, कांस्टेंट को सेपरेट करना है। तो कांस्टेंट ये रहा, तो हम पहले इनको लेके आएंगे, तो 3n क्या हो गया 26, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3n क्या हो गया 26+2 28 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का, तो RHS में लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28 बाय क्या होगा बच्चों 3। अब ये देखो डिवाइड तो होगा नहीं, कटेगा नहीं ना, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करो भाई, एज इट इज आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। n=28/3, ये आपके क्या होंगे आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का। तो यहाँ पे देखो कह रहा है 5m+7=17, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो कांस्टेंट को सेपरेट करो, वेरिएबल को सेपरेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 5m=2 क्या होगा बच्चों, 5m=17, ये प्लस में तो इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5m=2 क्या होगा 10 आ जाएगा, 17 में से 7 को लेस करोगे तो 10, और m के साथ 5 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो m=2 क्या होगा, ठीक है बच्चों, m=10/5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2, तो m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपको 2, ठीक है, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है बी पार्ट का। चलो अब सी पार्ट को देख लेते हैं। तो सी पार्ट में देखो आपको दिया हुआ है क्या, 20p/3=40, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको, मतलब इस तरीके से कर दो, इसको इससे कर दो, तो 20p को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20p ही हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 को करोगे तो क्या होगा 120, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 120। अब इसके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड का रिलेशन हो जाएगा, तो 120 बाय क्या हो जाएगा 20, तो 0 से 0 कैंसिल, इससे करोगे तो 6, यानी p=10 निकल के आ जाएगा आपका 6, राइट। चलो इसको नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है। डी में भी सेम है बच्चों, यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3p को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p मल्टीप्लाई, और 10 को 6 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो 60 बाय क्या हो गया 3, तो 3 × 6 यानी 20, तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गया 20, ठीक है ना। तो ये रहा आपके आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मैं आगे क्वेश्चंस करवा पाऊं आपको। कर लिया नोट आपने, करते रहो फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे इक्वेशंस हैं आपको, और इनको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो आप करेंगे सॉल्व, तो बहुत मजे आएगा बच्चों, है ना, बहुत आसानी भी से सॉल्व करेंगे आप। तो देखो हमें कह रहा है पहला, 10p=2 दे रखा है 100, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, 10p=2 जो 100 दे रखा है, तो देखो इसके साथ क्या है रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन का, तो इधर क्या होगा डिवाइड का हो जाएगा,
तो ठीक है, तो यानी क्या करोगे 100 बाई 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 10, है ना आसान, कितना आसान है ना। चलो अब देख लो इसमें, तो देखो 10p plus 10 equals to 100, तो हमें वेरिएबल सब लेवल मेथड पढ़ रखे हैं, तो कांस्टेंट को इस तरह लेकर के चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10p equals to 100 में से 10 माइनस कर दोगे तो क्या हो गया 90, तो p equals to क्या हो गया 90 by 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा 9, तो ये p की वैल्यू नहीं 9 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका रिजल्ट, p को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो p, और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, तो p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 20। अब सेम बच्चों यहां पे भी करना है आपको। ठीक, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करोगे, तो माइनस p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15, माइनस कॉमन ले लो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो p इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 15 आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। चलो अब सेम बच्चों यहाँ पे भी है, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई से, तो 3p को अगर 1 से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 3p, और इक्वल्स टू 64 से क्या हो जाएगा बच्चों 24, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 बाय 3, तो डिवाइड करेंगे तो 8, तो p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका आंसर। बस सिंपल है, यहाँ पे देखो बच्चों डायरेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एस इक्वल्स टू माइनस 9 बाई 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा माइनस 3, तो एस बराबर क्या हो गया माइनस 3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, तो 3s यहाँ पे प्लस है, इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 12 बाई 3, डिवाइड करोगे तो क्या होगा माइनस का 4, तो s बराबर क्या हो गया माइनस का 4 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 3s, तो यहाँ पे 3s इक्वल्स टू क्या होगा 0 बाई 0 है, अब इधर लेकर करके जाएंगे s बराबर क्या होगा 0 बाय 3, क्या निकल के आ जाएगा 0 ही, ठीक है ना, तो s की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होता है बच्चों 0 ही आता है, ये मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर में बता भी रखे हैं आपको, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आई, तो कह रहे 2q = 6, राइट, तो हमें q की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल से q इक्वल्स टू क्या करेंगे 6/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 3, तो q की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 3, ठीक है ना, तो q के आंसर क्या होगा 3 निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 2q = -6, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2q = क्या होगा ऐसे लेके आएंगे प्लस, तो q = 6/2, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 3, तो यानी q की जो वैल्यू आएगा आपको वो आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन पैटर्न वही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2q = -6, तो q = क्या हो गया -6/2, डिवाइड करोगे तो क्या हो गया -3, तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो गया -3। आई होप ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, अच्छे से आ रहा होगा। चलो अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे देख लो 2q, तो यहाँ पे प्लस है, इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो क्या हो गया 6, तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2, तो क्या निकल के आ गया 3, तो q की वैल्यू क्या निकल के आ गया 3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आ गया, या इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना, तो सभी क्वेश्चन को आप फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप आसानी से अपने नोटबुक में कर लो, या फिर आप क्या करो वीडियोस को पॉज करो और फिर उसके बाद नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप इन जितने भी क्वेश्चन मैंने हमें करवाया है उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अपने बुक के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करो, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।